अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, राना बर्ड्स राहुल पिंडी में खुश आमदीद कहते हैं आपको। अच्छा फ्रेंड, ये आप मेरे सामने आज एक फीमेल देख रहे हैं, ठीक है। और ये फीमेल जो है इस वक्त वो मोल्टिंग पर आ गई है, ठीक है। इसके फ्रंट से जितने भी पर हैं, जितने भी बाल हैं, वो सारे जो है वो उड़ गए सीने के। उसका इशू ये हुआ कि ये ब्रीडर फीमेल थी, ठीक है। बॉक्स में बैठ बैठ के जो है इसके फ्रंट के सारे बाल उड़ गए, ठीक है। अगर ये वीडियो में आपको नज़र आ रही हो तो आज ये जो मोल्ड का प्रॉब्लम अक्सर जो आ जाता है, ठीक है, तो इसके ऊपर डिस्कशन करते हैं और बताते हैं आपको कोई हल इसका कि जी ये मोल्ड की जो प्रॉब्लम है ये किस तरीके से ठीक हो सकती है। तो आपने करना क्या है कि जी आपने जो फीमेल या मेल या रा रिंग नेक में या कोई भी आपका बर्ड हो, ठीक है, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो, आपने उसको जो है वो अलहदा केज में एक सबसे पहले फिट कर लेना है, ठीक है। इस तरह की केज को हम जो है वो डॉक्टर केज कहते हैं। और इस डॉक्टर केज में शिफ्ट करने के बाद आपने इसमें से दाना सारा निकाल लेना है। मुझे ये भूल गया है दाना निकालना, तो क्योंकि मैंने तो इसमें शिफ्ट भी नहीं करना, इसमें रखना भी नहीं, मेरे पास एक बड़ा केज अलहदा, ये सिर्फ आप लोगों को दिखाने के लिए जो है वो मैं अलहदा से इसको मैंने किया है। तो बाकी इसमें से मैं इस केज में से निकाल के दूसरे में शिफ्ट कर दूँगा। आपने करना क्या है कि आपने एक तो जो है वो मोल्ट ऑफ मेडिसन आती है, ठीक है, या मोल्टिंग की बहुत सारी मेडिसिन आती हैं, आप वो भी यूज़ कर सकते हैं अगर आप यूज़ करना चाहें। लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि आपको जो है वो देसी टोटका बताया जाए जिससे जो है वो मोल्ड का प्रॉब्लम जो है वो हल हो जाए। तो आपने एक तो इसको डेली जो है वो फ्लैजल पानी में आपने देनी है, ठीक है। और दूसरी चीज़ है, ये मेरे पास आप देख रहे हैं इस बोतल में, ये स्प्रे पंप भी है और ये बोतल है। और इस बोतल में मैंने क्या किया है कि जी एलोवेरा लिया है और तकरीबन 7 इंच का पीस था एलोवेरा का, और ये तकरीबन 1 लीटर पानी है, ठीक है। 1 लीटर पानी में 7 इंच के एलोवेरा जेल को मैंने निकाल के पीस में से ऊपर से वो छिलका उतार लिया मैंने, और जेल ले ली और उस जेल में जो है वो मैंने पानी में डाल के और अच्छे तरीके से ग्राइंडर से ग्राइंड कर ली, ठीक है। ग्राइंड करने के बाद फ्रेंड्स मैंने क्या किया कि जी उसको मैंने छान लिया छन्नी के साथ, ठीक है। छानने के बाद, क्योंकि वो छानने का मकसद ये था कि जी इस ये जो हमारा पंप है इसमें वो फंसे ना, ठीक है। तो आपने क्या करना है कि जी ये जो एलोवेरा का जेल का पानी है ये आपने डेली इसके ऊपर स्प्रे करना है, और इतना स्प्रे करना है कि इसको आपने जो है वो नला देना है। तो हम कोशिश करते हैं अब इसको नलाने की, और ये तकरीबन आपने तब तक करते रहना जब तक कि ये बिल्कुल ठीक नहीं हो जाती, ठीक है। आप एक दिन छोड़ के भी एक दिन कर सकते हैं, एक दिन में 2 बार भी कर सकते हैं, एक दिन में 1 बार भी कर सकते हैं, लेकिन नहलाना आपने बहुत अच्छे तरीके से। तो उसकी वजह ये होगी कि ये जो है ये पानी से ये स्मेल जब इसको चढ़ेगी एलोवेरा जेल से, तो ये अपने पर नोचेगी नहीं, ठीक है। अपने पर ये देख सकते हैं आप कि फ्रंट पे ये जो है इसके बाल सारे उड़े हुए हैं। तो हम इसको आज इतना नहलाएंगे कि ये अपने पर नोचना छोड़ दे, और ये जो मोल्टिंग की पोजीशन में है, अगर पानी इसमें चला भी जाए इसके मुंह में या ये पी भी ले तो कोई इशू नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा इसको मोशन होंगे और मोशन का मसला कोई नहीं है, वो आप फ्लैजल शरबत के साथ आप जो है उसको रिकवर कर सकते हैं। आपने इस तरीके से जो है अच्छे तरीके से अपने बर्ड को हर तरफ से नहला देना, ठीक है। तो ये हमने इसको अच्छे तरीके से गीला कर दिया। आप यही काम दिन में जो है वो 2 बार भी कर सकते हैं, ठीक है। ये अब हमने थोड़ा सा प्रेशर इसका बंद कर दिया। अब इसके फ्रंट से भी कोशिश करते हैं मारने की। तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स आपको ये तरीका पता चल गया होगा, ठीक है। आप मोल्ट ऑफ मेडिसिन भी यूज़ कर सकते हैं, इसको विटामिंस भी दे सकते हैं, लेकिन आपने खाने में इसका जो ख्याल करना है वो ये करना है कि आपने सूरजमुखी के बीज जो है वो निकाल देने हैं, और गर्म चीज़ें इसको नहीं देनी, ठीक है। भांग के बीज, सूरजमुखी के बीज और जो गर्म चीज़ें वो आपने नहीं देनी, और जो आज मैंने सिंपल दाना बताया, ठीक है, वो वाला आपने यूज़ करना है और वही इसको देना है, तो इंशाल्लाह ये बहुत जल्दी रिकवर हो जाएगी। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो और ये मसला जो है आपको समझ आ गया होगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जो लोग नए आए हैं, और दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।